भारत गगनयान मिशन के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर पर भेजने वाला है, लेकिन आज भी कुछ चुनिंदा देशों के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं और 6 महीने बिताकर वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। अगले साल भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं, जो नासा के द्वारा भेजे जाएंगे। लेकिन आपको अंतरिक्ष की दुनिया दूर से जितनी लुभावनी नजर आती है, इसका सफर उतना ही मुश्किल है। जीरो ग्रेविटी यानी बिना गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ कई दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। इससे जुड़े आपने बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे, जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों की बॉडी लगातार फ्लोट यानी तैरती रहती है। वे खाने से लेकर पानी पीने तक हर काम ऐसे ही तैरते हुए करते हैं। आपने भी अक्सर सुना होगा कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में अपने पेशाब से बना हुआ पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये सच है या महज अफवाह? आइए आपको समझाते हैं। अंतरिक्ष में पीने के पानी को बनाने से पहले हमें अंतरिक्ष में टॉयलेट सीट के इतिहास को समझना पड़ेगा, क्योंकि पीने का पानी भी इसी से जुड़ा हुआ है। 60 के दशक की शुरुआत में नासा इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिशों में लगा था, लेकिन उस वक्त नासा वैज्ञानिकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पेशाब और पॉटी कैसे करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एलन शेपर्ड को भी लॉन्च पैड पर अपनी पैंट में ही पेशाब करना पड़ा था। वजह ये थी कि उड़ान महज 15 मिनट की थी, लेकिन नासा वैज्ञानिकों को ये विचार नहीं आया कि एलन शेपर्ड को लॉन्च पैड पर घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद नासा ने अंतरिक्ष में पेशाब और पॉटी की स्थिति को गंभीरता से लिया। हालांकि बाद में भी जो व्यवस्था हुई वो भी बस काम चलाऊ ही थी। अंतरिक्ष यात्रियों को पेशाब के लिए एक खास तरह का पाउच इस्तेमाल करना पड़ा। ये बिल्कुल कॉन्डोम की तरह थे। हालांकि इन्हें महिलाओं के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, साथ ही ये लीक भी हो जाते थे। फिर 1960 के दशक के जेमिनी मिशन में पहली बार नासा ने अंतरिक्ष में मल त्याग की व्यवस्था की थी। एक खास तरह के बैग अंतरिक्ष यात्रियों के पीछे बांध दिए जाते थे, लेकिन ये टॉयलेट भी सफाई और यूरिन डिस्पोज वगैरह के लिए ठीक नहीं था। इसके बाद जब महिलाएं भी अंतरिक्ष में जाने लगी तो टॉयलेट की खास व्यवस्था की ज्यादा जरूरत महसूस हुई। लॉन्च के दौरान और स्पेस वॉक पर महिला अंतरिक्ष यात्रियों को पेशाब करने में परेशानी ना हो, इसके लिए नासा ने डिस्पोजेबल अवशोषण कंटेनर ट्रंक बनाया, जो कि पेशाब को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किए गए। ये शॉर्ट्स की तरह था। इसके बाद भी थोड़े बहुत प्रयोग हुए, मगर सभी में दिक्कतें थी। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुश्किल पैदा करते थे, साथ ही पीने के पानी की अंतरिक्ष में व्यवस्था करने में भी काफी समस्या आ रही थी। वैज्ञानिक चाह रहे थे कि अगर अंतरिक्ष में अधिक से अधिक समय बिताना है तो इन 2 समस्याओं का समाधान जल्द ही ढूंढना होगा। जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों के अब खास तरह के टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ये टॉयलेट्स पूरी तरह से हैंडहेल्ड और फुट होल्ड हैं। इससे एस्ट्रोनॉट्स को बैठने या खड़े होने में दिक्कत नहीं होती, बस उन्हें यूज करने के लिए आराम से ढक्कन उठाकर बैठना होता है, फिर सारा काम वैक्यूम कर देता है। वो मल और पेशाब दोनों को खींचकर अलग अलग टैंक में जमा कर देता है। यहाँ पेशाब और पॉटी के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। पेशाब के लिए एक पाइप लगा होता है जिसका कलर पीला होता है, जिसको पुरुष या महिला अंतरिक्ष यात्री को अपने प्राइवेट पार्ट पर फिट करना होता है, जबकि पॉटी के लिए एक छोटी सी सीट लगी होती है। इसमें भी ढक्कन उठाकर सीट पर बैठना होता है और इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री
धरती पर इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालय की तरह ही करते हैं, लेकिन इस शौचालय का इस्तेमाल सिर्फ पॉटी के लिए करते हैं। पेशाब आया तो पीले पाइप में ही करना होगा। पेशाब और पॉटी के लिए अलग अलग प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि दोनों को अलग अलग टैंक में रखा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि पेशाब और मल को अलग अलग टैंक में क्यों जमा किया जाता है, तो बता दें इसी में आपके उस सवाल का जवाब छुपा है कि क्या अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में अपने पेशाब से बना हुआ पानी पीते हैं या नहीं। तो हाँ, ये अफवाह नहीं, सच है। अंतरिक्ष में पेशाब को रिसाइकिल करके ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, यानी पेशाब को ही पीने के पानी में बदला जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के 98% पेशाब को रिसाइकल कर पीने योग्य में बदल रही है। आपको ये भी बता दें कि अंतरिक्ष में पानी बनाने के लिए सिर्फ पेशाब का नहीं बल्कि पसीने और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई सांस का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। बस अंतर इतना है कि इस पानी में 93% हिस्सा अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब से आता है, इसलिए अंतरिक्ष में पेशाब से पानी बनाने की प्रक्रिया का जिक्र ज्यादा होता है। इस प्रक्रिया को एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECLSS कहते हैं। ECLSS जिन हार्डवेयर से मिलकर बना है उनमें वाटर रिकवरी सिस्टम भी शामिल है जो पेशाब को एकत्रित करता है और उसे वाटर प्रोसेसर असेंबली में भेज देता है। फिर इसके बाद पीने योग्य पानी का उत्पादन होता है। केबिन क्रू की सांस और पसीने से केबिन की हवा में निकली नमी को इकट्ठा करने के लिए एक एडवांस्ड डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूरिन प्रोसेसर असेंबली वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर पेशाब से पानी निकाला जाता है। पॉटी से टैंक भरने के बाद इसे कार्गो शिप में लोड किया जाता है। इसे पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में जला दिया जाता है। कभी कभी शौच को पृथ्वी पर लाकर इस पर स्टडी भी की जाती है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि जब खाना पृथ्वी से जाता है तो पानी क्यों नहीं भेजा जाता, तो उसका जवाब है अंतरिक्ष में पानी रखना काफी मुश्किल है। ये काफी हैवी होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री पेशाब को ही रिसाइकल करके इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष में पेशाब से पानी बनाने वाली प्रक्रिया के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।